भवानी मंडी में ताजियों का जुलूस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सभी ने अपनी मन्नतों के ताजिए बनाए। जुलूस में ढोल नगाड़ों और अखाड़ों का प्रदर्शन हुआ। जगह जगह छबील लगाई। साथ ही इमाम हुसैन की याद में अंजुमन मदरसे में लंगर का प्रोग्राम भी रखा। जुलूस में बाहर से आने वाले लोगों के लिए खाने की व्यवस्था भी की। जुलूस गरीब नवाज कॉलोनी से शुरू होकर गणेश छतरी स्टेशन चौराहा बारह दुकान चौराहा होते हुए ईदगाह मोटर मार्केट पर समाप्त हुआ। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। वैष्णो कंपनी द्वारा 5 सितंबर 2022 को माता वैष्णो देवी की यात्रा पर गए भक्तों का आज सकुशल घर लौटने पर नगर परिषद उपाध्यक्ष अर्जुन शर्मा द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। पुष्पमाला पहनाई गई। ढोल के साथ इनके साथ दीपक शर्मा, किशन शर्मा, आशीष पटेल, अरविंद गामी, लोकेश गामी, प्रमोद ओझा आदि उपस्थित रहे। बैसोदा से इसके मीडिया के लिए रामजाल गुजराती। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मंगलवार को सड़क मार्ग से गंधार पहुंचे, जहां भीम आर्मी से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर इंदौर उज्जैन होते हुए मंदसौर जा रहे थे, तभी गंधार में उनका काफिला गुजरा। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को मिली, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी तथा सुबह से ही भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होने लगा। दोपहर बाद चंद्रशेखर आजाद का काफिला जैसे ही मल्हारगंज चौराहे पर पहुंचा, नारेबाजी होने लगी तथा उनका मंच पर भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार दलितों पर अत्याचार कर रही है, यहां बलात्कार हो रहे तथा मर्डर की वारदात थम नहीं रही। यदि दलितों पर अत्याचार, बलात्कार, मर्डर बंद नहीं हुए तो हम आगामी चुनाव में उन्हें घर बिठाने की क्षमता रखते हैं। आगे उन्होंने कहा, सभी को मिलजुल कर मजबूत होने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जिसके पास जितने लोग होते हैं वह उतना ही मजबूत होता है। सभी एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दें तथा एक दूसरे की मदद करें। यहां से वह अपने काफिले के साथ मंदसौर की ओर निकले। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल भवानी मंडी के बांडिया बाग हनुमान मंदिर में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि शंकर सिंह राणा, कोटा संभाग महामंत्री व बैठक की अध्यक्षता रमेश राज पुरोहित, राष्ट्रीय बजरंग दल भवानी मंडी जिला अध्यक्ष चौथमल कुमार वैष्णव ने की। बैठक में आगामी कार्यक्रम दशहरे पर शस्त्र पूजन के कार्यक्रम पर चर्चा हुई। वहीं त्रिशूल धारण कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई। भवानी मंडी से एसके मीडिया के लिए रिजवान शेख। झालावाड़ जिले के चौमेला में खाद बीज व्यापार संघ की बैठक अग्रवाल धर्मशाला परिसर में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि उपनिदेशक कृषि विस्तार सत्यनारायण पाठक, सहायक उपनिदेशक कृषि विस्तार भवानी मंडी राजेश विजय रहे। बैठक में एक बार फिर सर्वसहमति से शरद अग्रवाल को खाद बीज व्यापार संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना। बैठक में कृषि अधिकारी खाद द्वारा खाद कृषि व्यापारियों के साथ बैठकर खाद किल्लत की समस्या सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में समापन के बाद स्नेह भोज का आयोजन हुआ। इस दौरान चौमेला गंगधार क्षेत्र के कृषि अधिकारी हरिशंकर कोहली, सुरेश खमोरा सहित कृषि व्यापारी ओम सोनी, भोलेनाथ चतुर्वेदी, शरद नवलखा, जावेद खान, सतीश मीणा, संदीप गुप्ता सहित खाद बीज व्यापार संघ के दर्जन व्यापारी मौजूद रहे। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। सावधानियां बरतें, पर कभी कभी दुर्घटना घट ही जाती है। तुरंत तत्पर होने पर क्षति कम किया जा सकता है। जली हुई जगह पर तेल या पाउडर नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, घाव पे मॉइस्चराइजर, टूथपेस्ट, शहद या सीरा ना लगाएं। आइस या मिट्टी भी नहीं लगानी चाहिए। जली हुई जगह को 10 से 15 मिनट तक बहते हुए पानी के नीचे रखना चाहिए। घाव को रुई से ना ढकें, बल्कि साफ पट्टी का इस्तेमाल करके ढीले से बांधना चाहिए। छालों को फोड़ना या रगड़ना नहीं चाहिए। कोई और बीमारी ना हो तो दर्द कम करने के लिए इबुप्रोफिन जैसी दवाई लेने के बाद डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जलने के घाव कई तरह के होते हैं। अगर सिर्फ ऊपरी घाव हो तो दर्द कम होगा
और थोड़ी सी सूजन हो सकती है। छाले पड़े या चमड़े के नीचे की मार्क्स दिखने लगे तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बिल्कुल दर्द महसूस ना हो या अनुमान से कम हो तो हो सकता है कि नस भी जल गई है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क।